कुछ और रचनाएं। रचना निर्मेय एक। एक त्रिभुज की रचना करना जब दो भुजाओं की माप और उनके बीच के कोण की माप दी गई हो। उदाहरण एक, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें एबी बराबर 5 सेंटीमीटर, एसी बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण ए बराबर 45 अंश है। बच्चों, आपने देख लिया है कि जब त्रिभुज की तीन भुजाओं की माप दी हुई हो तो हम त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं, और आपने ये भी देख लिया है कि किन परिस्थितियों में त्रिभुज की रचना की जा सकती है। आइए अब हम एक नई परिस्थिति पर विचार करते हैं। हमें ये दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप हमारे पास है और उन दोनों भुजाओं के बीच जो कोण बनता है उसकी माप भी दी हुई है। तो इसे हम उदाहरण एक के माध्यम से देखेंगे। उदाहरण एक में हमें ये दिया हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। एक रफ चित्र हम बनाते हैं, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है। ये ए बी है, ये 5 सेंटीमीटर का है और ए सी 4 सेंटीमीटर का है। ये ए सी की माप जो है वो 4 सेंटीमीटर है और कोण ए 45 अंश का है। ये जो कोण बन रहा है ए पर, जैसे आप कोण बी ए सी या कोण सी ए बी पढ़ सकते हैं, इस कोण की माप दी हुई है कि ये 45 अंश का है। अब हमें देखना है क्या हम एक ऐसे त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। चलिए कोशिश करके देखते हैं और ये देखते हैं क्या इन दी हुई मापों से हम त्रिभुज की रचना कर पाएंगे। आइए सबसे पहले हम दोनों में से एक भुजा को आधार के रूप में लें और सबसे पहले एक आधार बनाएं। मान लीजिए हम ए बी भुजा की रचना करना चाहते हैं तो हम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। ये हमने स्केल की मदद से एक रेखाखंड खींचा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसे हम बिंदु ए नाम दें और ये बिंदु बी है। इस ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसे हम थोड़ा नीचे लिख लें 5 सेंटीमीटर। दूसरी रचना ए सी की है जो 4 सेंटीमीटर की है। निश्चित रूप से ये जो रेखाखंड होगा वो यहाँ से बनना शुरू होगा, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि वो रेखाखंड ए सी यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, ये हमें पता नहीं है। तो वो जो निर्धारण है उसके लिए हम इस कोण की मदद लेते हैं। हम को बिंदु ए पर 45 अंश का कोण बनाएं और उस कोण के बाद हम फिर रचना करें ए सी की, तो देखते हैं कि ये रचना हो पाती है क्या। हम चांदे का इस्तेमाल करेंगे, चांदे का एक केंद्र बिंदु आप देख रहे हैं। ये दोनों जो 00 के निशान है पैमाने पर, उसको मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा को हम इस रेखाखंड के ऊपर रखते हैं और इस बिंदु को उस बिंदु पर रखते हैं जहां हमें कोण की रचना करनी है। तो चलिए इसे हम चांदे को यहां रखते हैं। और यहां से चूंकि हमें इस तरफ कोण बनाना है तो हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे 0, 10, 20, 30, 40 और ये 50, और इन दोनों को ठीक बीच में ये जो कुछ बड़ा सा निशान बना है वो 45 अंश की माप को दिखाता है। तो ये जो निशान बना वो 45 अंश का है। इस बिंदु को हम यहां से मिलाएं ए से, और इसे आगे बढ़ा दें। तो ये जो कोण हमने निर्मित किया वो 45 अंश का है जो ए पर बन रहा है और ये हमें प्रश्न में दिया हुआ था। अब ए सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ से ए सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर लेना है हमें, तो इस स्केल की मदद लेंगे हम और प्रकार को 0 पर रखते हुए इतना फैलाएंगे कि ये पेन का जो सिरा है वो 4 सेंटीमीटर पर आ जाए। अब हमने प्रकार को जो फैलाव दिया है वो 4 सेंटीमीटर माप का है। प्रकार की नोक को हम सावधानी से यहाँ ए पर रखते हैं और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप यहाँ पर खींचते हैं। तो चूंकि ये फैलाव 4 सेंटीमीटर का है तो ये जो बिंदु मिलेगा वो ए से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। आप इसे नाम दें 4 सेंटीमीटर की दूरी पर
बिंदु सी। अब इस बिंदु सी को बी से मिलाइए। ये देखिए हम इस तरह से मिलाएंगे, बहुत सावधानी से, इतनी जगह हम रखें कि पेन की नोक रखने के लिए यहाँ पर स्थान बचा रहे, और इसको बहुत सावधानी से आप बी से मिले। तो आप देख रहे हैं हमने एक ऐसे त्रिभुज एबीसी की रचना की जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, और ए पर बनने वाला कोण सी ए बी 45 अंश का है, और यही माप हमें यहाँ दी हुई थी। तो आपने देखा कि यदि हमें त्रिभुज की दो भुजाओं की माप दी हुई हो और उन भुजाओं के बीच बनने वाले कोण की माप दी हुई हो तो हम त्रिभुज की रचना कर पाते हैं। तो आप इस माप से और इसके बाद कुछ और भी अलग अलग माप लेकर त्रिभुज की रचना इस तरह से करके देखिए, और मुझे यकीन है कि आप ऐसी रचनाएं कर लेंगे। तो कोशिश कीजिए बच्चों। आपने ये देख लिया कि यदि हमें किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की माप दी हुई हो और उनके बीच का कोण दिया हो तो त्रिभुज की रचना हो जाती है। अब एक और दूसरी परिस्थिति पर हम विचार करें कि यदि हमें त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई हो और बीच का कोण ना दिया हो, कोई भी जो दूसरे दो कोण हैं वो उनमें से यदि कोई एक दिया हो तो हम त्रिभुज की रचना कर पाएंगे क्या? जैसे इस उदाहरण में देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी की बात की जा रही है। इस त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी की माप हमें दी हुई है जो 7 सेंटीमीटर है, और भुजा एसी की माप दी हुई है जो 6 सेंटीमीटर है, और जो कोण दिया हुआ है वो इन दोनों भुजाओं के बीच नहीं बन रहा है बल्कि बिंदु बी पर बन रहा है, और इसकी माप 40 अंश की है। तो हम देखते हैं क्या ऐसे में हम एक निश्चित त्रिभुज की रचना कर पाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी कि अगर हम इन दोनों में से एक भुजा का चयन करते हैं पहले रचना करने के लिए तो क्या क्या हो सकता है। यदि मान लीजिए पहले 6 सेंटीमीटर की भुजा की रचना कर लें तो बिंदु ए से हम 7 सेंटीमीटर की भुजा की रचना करने के लिए एक चाप खींच सकते हैं, लेकिन अब हमें उस पर यह पता नहीं चलेगा कि उसका डायरेक्शन क्या है, उसकी दिशा क्या है ए सी के साथ। ऐसे में हमें ए बी की लंबाई तो मिल जाएगी लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि उसकी दिशा क्या है, तो हम बी का निर्धारण नहीं कर सकते, और जब बी का निर्धारण नहीं हो सकेगा तो हम उस पर कोण भी नहीं बना सकते। इसलिए ऐसी परिस्थिति में जरूरी है कि हम पहले उस भुजा की रचना करें जिससे हम शेष दो रचनाएं भी कर सकें। जैसे मान लीजिए हम पहले ए बी की रचना करते हैं तो ए से हम 6 सेंटीमीटर की रचना करने के लिए एक चाप खींच सकेंगे और बी पर 40 अंश का कोण बना सकेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर इस तरह की जानकारी दी हुई हो तो हम अपनी रचना कहाँ से शुरू करें। तो चलिए हमने तर्क के माध्यम से देखा कि हमें ए बी की रचना पहले करनी होगी, तो पहले हम ए बी की रचना करते हैं और फिर देखते हैं आगे की रचनाओं के लिए। स्केल पट्टी लें और उसे अपने इस कागज़ पे हम ठीक से रखें और शून्य से शुरू करें, और चूंकि हमें 7 सेंटीमीटर के रेखाखंड की रचना करनी है तो हम 7 सेंटीमीटर तक एक लंबाई का रेखाखंड खींच लें और इन्हें नाम दे दें। ये पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, और इनके बीच की दूरी जो है ए और बी की या ए बी की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ लिखें ए बी 7 सेंटीमीटर। अब हमें दो रचनाएँ और करनी हैं, एक तो ए सी की रचना करनी जो 6 सेंटीमीटर है और बी पर 40 अंश का कोण बनाना है। तो ये दोनों चीज़ें संभव हैं क्योंकि हमारे पास बिंदु ए भी मौजूद है और बिंदु बी भी मौजूद है। तो चलिए कोई भी एक रचना पहले कर लें। मान लीजिए हम पहले ए सी की रचना करते हैं जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए हमें अपने प्रकार पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लेना होगा। तो हम अपने प्रकार के नोक को पहले शून्य पर रखते हैं और दूसरे हिस्से को 6 पर लेके आते हैं। तो ये आप देखिए कि हमने प्रकार को 6 सेंटीमीटर फैलाया। अब प्रकार के नोक को हम ए पर रखें और एक चाप खींचें, थोड़ा बड़ा चाप खींचें क्योंकि हमें नहीं पता कि ये चाप उस कोण बनाने वाले रेखा को कहां कहां पर काटेगा या कहां पर काटेगा। चाप खींचने की एक वजह और भी है क्योंकि हमें ए सी की लंबाई तो मालूम है कि 6 सेंटीमीटर है, लेकिन ए बी के साथ वो कितना कोण बनाता है ये हमें पता नहीं है। तो हमें ये नहीं पता कि बिंदु सी कहाँ पर होगा, किस दिशा में होगा, इसलिए हम एक चाप खींचते हैं जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यानी इस चाप का हर बिंदु
ए से 6 सेंटीमीटर है और उस बिंदु का निर्धारण इस कोण के माध्यम से होगा जो हम बी पर बनाने वाले हैं। तो चलिए बी पर हम कोण बनाते हैं और कोण बनाने के लिए हम चांदे का उपयोग करेंगे। शून्य शून्य को मिलाने वाली रेखा को इस रेखाखंड ए बी के ऊपर रखेंगे और इस बिंदु को जो बीच का है उसे हम ठीक बी पर रखेंगे। और अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम पढ़ना कहाँ से शुरू करें। तो देखिए चूँकि हमको कोण इस दिशा में बनाना है तो हम यहाँ शून्य वाले पैमाने से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए शून्य 10 20 30 40 और हमें 40 डिग्री का कोण बनाना है तो हम यहाँ पर एक निशान लगाएं और इसे बी से मिला दें। ये बी से हम इस बिंदु को मिलाने जा रहे हैं और इससे हमें बी पर 40 अंश का कोण मिलेगा। ये देखिए मान लीजिए हम एक किरण नाम दे दें और मान लीजिए ये किरण बी एक्स है और ये जो कोण बन रहा है वो 40 अंश का है। इसे भी हम यहाँ लिख दें, 40 डिग्री का कोण है ये हम जो यहाँ बना रहे हैं। अब आप देखिए कि आपने किन किन चीज़ों की रचना कर ली। सबसे पहले आपने ए बी की रचना की जो 7 सेंटीमीटर है, उसके बाद ए सी की रचना के लिए आपने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींच लिया और बी पर आपने 40 अंश का कोण बना लिया। आप देख रहे हैं कि ये कोण बनाने वाली किरण बी एक्स उस चाप को दो जगहों पर काट रही है, एक तो स्थान ये है और दूसरा स्थान ये है। इनको भी आप नाम दे दें, मान लीजिए इसे आप सी कहते हैं और इसे भी एक नाम दे दें, मान लीजिए डी है। यदि आप सी और डी को क्रमशः ए से मिलाते हैं तो क्या होता है, देखिए जरा। हमने सी को ए से मिलाया ये ए और सी आपने मिला दिया, उसी तरह से ए और डी को भी मिलाइए। ऐसा करने पर हमें दो त्रिभुज मिल रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और दूसरा त्रिभुज मिल रहा है ए बी सी। आप देख रहे हैं ये त्रिभुज है जिसे आप ए बी सी पढ़ेंगे, ए बी सी कहेंगे और पहले जो आपने त्रिभुज अंकित किया था वो ए बी डी है। आप देख रहे हैं कि दो त्रिभुज आपको मिल रहे हैं जो इन शर्तों को पूरा करते हैं। आप पहले वाले त्रिभुज में देखिए ए बी 7 सेंटीमीटर और चूंकि डी इस चाप पर स्थित है इसलिए ए डी की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी और ये कोण 40 अंश का आपने बनाया है। तो आप देख रहे हैं कि ए बी डी भी दी हुई शर्तों को पूरा करता है और ठीक इसी तरह से त्रिभुज ए बी सी भी इन दी हुई शर्तों को पूरा कर रहा है। यानी आप ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर और चूंकि सी चाप पर स्थित है इसलिए ए सी की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी और कोण भी 40 अंश तो आपने बनाया ही है। तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि दी हुई मापों से दो अलग अलग त्रिभुज की रचना हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि यदि हमें दो भुजाओं की लंबाइयाँ दी हुई हों और उनके बीच का कोण नहीं दिया हो, कोई दूसरी जगह पर बनने वाला कोण दिया हो, तो हम एक निश्चित त्रिभुज की रचना नहीं कर पा रहे हैं इस स्थिति में। तो आपने देखा, पहले आप सबसे पहले ये देख रहे थे कि त्रिभुज की तीन भुजाएं दी हुई हों तो त्रिभुज की रचना होती भी है और नहीं भी होती है। त्रिभुज की रचना तब हो पाती है जब दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी जो सबसे बड़ी भुजा है उससे अधिक हो और यदि दो भुजाओं की लंबाइयों का योग, दो सबसे छोटी भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से कम होने पर त्रिभुज की रचना नहीं हो पाती। और एक स्थिति थी जब दो भुजाएं दी हुई हों और उनके बीच का कोण दिया हो तब भी आपने त्रिभुज की रचना कर ली थी। और तीसरी स्थिति है जब दो भुजाओं की लंबाइयाँ दी हुई हों और वो कोण दिया हो जो उनके बीच में नहीं बन रहा है, तब त्रिभुज की रचना होती तो है लेकिन एक से अधिक त्रिभुज बनते हैं। तो ये दो अलग अलग त्रिभुज बनते हैं जो उन्हीं मापों को प्रदर्शित करते हैं। करके देखें, दी गई मापों से त्रिभुज की रचना कर अपने साथियों के साथ चर्चा करें। पहला, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण सी बराबर 40 अंश। दूसरा, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण ए बराबर 60 अंश। तीसरा, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण क्यू बराबर 75 अंश। चौथा,
ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6.3 सेंटीमीटर और कोण ए बराबर 55 अंश।